What's up guys, it's me fitness tycoon Karan Rajput and you're watching my video. तो आज का टॉपिक है क्या रोटी बेहतर है या चावल, राइट? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं और अगर आपका गोल वेट गेन है या वेट लॉस, दोनों के लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। मैं आशा करूँगा आप इसकी बहुत रिस्पेक्ट करोगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो, और अगर आप पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, दोनों में काफ़ी काम आने वाला वीडियो है आपका, रोटी बेहतर होता है चावल। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक मिथ जो होती है, मैं हर अपने वीडियो में कोशिश करता हूँ कि लोगों की मिथ क्लियर करूँ। तो सबसे बड़ी मिथ ये है कि कार्ब्स, जो रोटी होती है, रोटी को लेकर ये मिथ है कि रोटी में कार्ब्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। जिन लोगों को कार्ब्स का मतलब नहीं पता है, मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। कार्ब्स मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब होता है ग्लूकोज, बेसिकली ग्लूकोज। जिस तरीके से मोटरसाइकिल या फिर कोई भी गाड़ी पेट्रोल पर चलती है, वैसे ही हमारी बॉडी ग्लूकोज पर चलती है, उसे कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स इन शॉर्ट फॉर्म। तो रोटी और चावल दोनों में कार्ब्स होता है और हर खाने में कार्ब्स होता है जिससे हमारी बॉडी काम करती है, राइट? तो कार्ब्स खाने से आप मोटे नहीं होते हो, लोगों की मिथ है। लोग कहते हैं कि अगर आप रोटी रात को खाते हो या फिर रोटी सुबह खाओगे, किसी भी टाइम पे आप रोटी ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स आता है जिससे आप मोटे होते हो। ये बिल्कुल रॉन्ग मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी सिर्फ कैलोरी सरप्लस से फैट गेन करती है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में जाते हो और वर्कआउट नहीं करते हो तो बॉडी फैट गेन करेगी, राइट? ओके, सो रोटी और चावल, जो रोटी होता है उसके अंदर कार्ब्स के दो टाइप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। दोनों के अलग अलग यूजेस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। जो सिंपल कार्ब्स होता है वो ये कार्ब्स होता है जो बॉडी में जाकर तुरंत पच जाता है। इसके फायदे ये होते हैं, जो खाना बॉडी में जाकर तुरंत पच जाएगा तो होगा क्या, आप जो दूसरा मील लोगे आप उसे आप जल्दी खा पाओगे, मतलब कि आप ज़्यादा मात्रा में खाने को खा पाओगे अगर आपके पेट में खाना जाकर तुरंत पच रहा है तो। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें रोटी की, तो रोटी वो खाना होता है जो बॉडी में जाकर धीरे धीरे पचता है। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आप जॉब पे हो, काम कर रहे हो और आपको कम खाना खाना है या फैट लॉस करना है, तो आपको कम खाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें रोटी आपकी हेल्प करेगा। जो आप खाओगे वो धीरे धीरे पचेगा, जिससे आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर आपको ग्लूटेन से कोई एलर्जी नहीं है तो आप 6 रोटी खा लो, 6 × 3 = 18, 18 ग्राम प्रोटीन आपको वैसे ही मिल जाएगा वेट गेन में। तो वेट गेन की पहले हम बात कर लेते हैं। वेट गेन जो होता है उसमें रोटी और चावल आप दोनों खा सकते हो। जो रोटी होता है उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, कार्ब्स होता है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है। हमारा अक्सर वेट गेन में क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपको फाइबर्स की ज़रूरत है डाइट में, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो, अच्छी तरीके से खाने को पचा सके, आपका डाइजेशन अच्छी तरीके से वर्क कर सके। क्योंकि ये मैटर नहीं करता आप कितना खाना खा रहे हो, ये मैटर करता है बॉडी कितना डाइजेस्ट कर रही है। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं मैं बहुत खाता हूँ लेकिन मेरी बॉडी गेन नहीं कर रही। इंडीड में वो उतना खा नहीं रहते हैं, और दूसरी बात उनकी बॉडी उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाती है बहुत सारे रीजन की वजहों से, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप चेक कर लो मेरे चैनल पर। ओके, तो जो रोटी होता है, अगर आप उस रोटी को अपनी डाइट में ऐड करोगे तो उससे आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा फाइबर्स की वजह से और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की वजह से। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब जो बॉडी के अंदर धीरे धीरे पचेगा, तो वो उससे होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो कर देगा। दूसरी तरफ जो राइस है, चावल जो है वो काफ़ी जल्दी पच जाएगा पेट में जाकर, जिससे होगा कि आप ज़्यादा खाने में आपको हेल्प मिलेगी। जब हम वेट गेन करते हैं अक्सर तो हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाने को खाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें खाना हमारी बॉडी के अंदर पचना भी चाहिए रहता है। अगर आपके बॉडी के अंदर खाना तेज़ी रूप से पचेगा तभी आप दूसरा खाना खा पाओगे, नहीं तो अगर आप ज़बरदस्ती फोर्स करोगे तो आप उल्टियाँ कर दोगे, राइट? और जो बल्किंग होती है, बल्किंग के अंदर फोर्स ईटिंग होती ही है, और जब आप बल्क करते हो, साइज गेन करते हो, तो आप दिन में 2 से 3 बार बाथरूम जाते ही हो, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हो। अगर आप 2 से 3 बार बाथरूम नहीं जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप इतनी ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खा रहे हो, राइट? तो बल्किंग में जो वेट गेन की डाइट होती है, वेट गेन में आप रोटी और चावल दोनों ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप सबकी बॉडी हाइट, वेट, एज अलग होता है, सबकी बॉडी एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, स्किनी, स्किनी फैट, सबकी बॉडी टाइप अलग होता है। अगर आपको दोनों को अच्छी तरीके से अपनी डाइट में चाहिए, तो आप कोई कस्टमाइज डाइट वर्कआउट प्लान किसी ट्रेनर से लीजिए या फिर खुद नॉलेज गेन करिए, फिर उसे बनाइए। आते हैं फैट लॉस की तरफ। जो फैट लॉस होता है उसमें हमें कम खाना पड़ता है, कार्ब्स की मात्रा हम कम रखते हैं क्योंकि हमें फैट लॉस करना रहता है। हम चाहते हैं कि हम कार्ब्स की मात्रा कम रखें, जिससे बॉडी हमारे फैट को फ्यूल की तरह यूज़ करे और फैट हमारा कम हो।
तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है। कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए हमें कार्ब्स का रेशियो थोड़ा कम रखना पड़ता है। जैसे हम चावल खाएंगे फैट लॉस में, तो ऑब्वियसली जो मोटे लोग होते हैं उन्हें खाने का हैबिट रहता है, उन्हें उनके अंदर शौक रहता है। अगर वो चावल ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो होता क्या है, वो कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं बॉडी के अंदर, और बहुत जल्दी पच भी जाता, जिसकी वजह से उन्हें और भूख लगती है। वहीं जो रोटी होती है वो धीरे धीरे पचेगी, तो उनके अंदर जल्दी भूख की इच्छा नहीं आएगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फैट लॉस में रोटी ज़्यादा मात्रा में खाइए, ताकि आपके अंदर, देखिए राइस भी आप खा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी कैलोरीज में आ रहा है राइस, अगर आप 2800 कैलोरीज ले रहे हो या 2300 ले रहे हो या 2100 कैलोरीज ले रहे हो, और चावल खाकर आप एक्स्ट्रा कैलोरी सरप्लस में नहीं जा रहे हो, तो आप राइस बिल्कुल खा सकते हो। बस राइस के डिसएडवांटेज होता है कि बहुत जल्दी पच जाता है, तो लोगों के अंदर हैबिट होती है खाने की, तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाना कंज्यूम कर लेते हैं। बाकी रोटी बहुत बेटर ऑप्शन है, और उसमें फाइबर भी होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, आपको आराम से धीरे धीरे पचेगा, आपको एनर्जेटिक फील कराएगा और आपको भूखा नहीं रखेगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ चपाती, गो फॉर चपाती, इट विल प्रोवाइड प्रोटीन एज वेल। राइस के अंदर काफ़ी कम मात्रा में ना के बराबर प्रोटीन होता है, उसे दाल के साथ खाओगे तो उसके अंदर प्रोटीन और कार्ब दोनों मिल जाएगा। ये वेट गेन के लिए बोल रहा हूँ मैं, और दाल आप फैट लॉस में पी सकते हो, बस वो आपकी कैलोरीज पे मैटर करता है। हम सब की हाइट, वेट, एज, बॉडी का टाइप, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी मेडिकल हिस्ट्री, हमारे जीन्स, सब कुछ अलग होते हैं, उसके हिसाब से हमारा डाइट वर्कआउट बनता है। तो अगर आपको अपने सच में फिटनेस गोल पे आप बहुत फोकस हो, तो मैं कहूँगा कि आप अपना डाइट वर्कआउट किसी ट्रेनर से बनवाओ, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं वहाँ पर पेड ऑनलाइन कोचिंग भी देता हूँ, जिसमें बहुत कम प्राइस में उनको पूरी गाइडेंस देता हूँ, राइट? तो वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हो, या फिर बहुत सारे टिप्स और क्वेश्चन आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं फ्री में आपको आंसर भी दे दूँगा, देर नो इशू विद दैट। सो दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग रोटी एंड राइस। राइस जो होता है सिंपल कार्ब होता है, बॉडी के अंदर जाके तुरंत पच जाएगा, रोटी धीरे धीरे पचेगा। तो उसके दोनों का अपने अलग अलग यूजेस हैं, वेट गेन में दोनों खा सकते हो। फैट लॉस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा रोटी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खाइए, राइस के कंपैरिजन में राइस भी आप खा सकते हो। और अगर आपको राइस खाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा ब्राउन राइस ज़्यादा मात्रा में खाइए। ब्राउन राइस थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ही आता है, वो धीरे धीरे पचेगा, तो एक तरीके से आपको राइस का स्वाद भी मिल जाएगा और आपको राइस धीरे धीरे भी पचेगा, बट आपकी वो कैलोरीज के अंदर होना चाहिए। अगर आप कैलोरीज से बाहर जाओगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, और जो वेट गेन होता है उसमें हमें कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ता है। अगर आप कैलोरी सरप्लस में नहीं जा रहे हो तो आपका वेट गेन नहीं होगा। दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग राइस एंड चपाती। थैंक फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक फॉर वॉचिंग।